एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। उत्तराखंड एपीओ का एग्ज़ाम जो कि 21 नवंबर 2021 को कंडक्ट कराया गया। इस एग्ज़ाम को दो शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट आपकी जो शिफ्ट होती है दैट इज़ पेपर वन, जो कि आपका जीएस का पेपर होता है। एंड उस पेपर की जो आंसर की है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप उस जीएस वाली वीडियो के आंसर की को भी चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर टू, जो कि आपका लॉ का पेपर होता है। एंड इस पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो सीरीज़ ए का पेपर है, जो पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ सीरीज़ ए। ओके, सीरीज़ ए के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे वेरी क्विकली। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन वन इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज़ ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लेबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, दिस इज़ एक्सटॉर्शन। डायरेक्टली जो ये क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया अबाउट द इलस्ट्रेशन, जो वहाँ पर सेक्शन के अंदर इलस्ट्रेशन दी गई है इन बेयर एक्ट। क्वेश्चन थर्ड आंसर इज सी, एबिटमेंट। फोर्थ का ए दैट इज़ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फाइव का डी दैट इज़ सेक्शन 148, जहाँ पर डेडली वेपन के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन सिक्स का आंसर है टू, मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। क्वेश्चन सेवन का आंसर है बी, दैट इज़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ इन केस ऑफ डिफेमेशन। देखिए यहाँ पर इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। सो डिफेमेशन के केस में आपके पास ये राइट नहीं होता कि आप दूसरे पर्सन की डेथ कॉज कर दें। नेक्स्ट इज एट का होगा ए, लाइफ इम्प्रीजनमेंट होल लाइफ के लिए होता है। 498A इज रिलेटेड टू डाउरी डेथ, टू मीट द केसेज ऑफ डाउरी डेथ बेसिकली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10 का होगा डी, सेक्शन 78। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11 दैट इज सेक्शन 326B। 12 का आंसर होगा डी, अकॉर्डिंग टू मी द आंसर कुड हैव बीन डी। बाकी आप ऑफिशियल आंसर की में ज़रूर चेक करें। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, अभी क्लियर कर देती हूँ कि जो भी आंसर्स मैं बता रही हूँ मोस्टली, देखिए जो क्वेश्चन पेपर है आपका दैट इज़ बेयर एक्ट बेस्ड। जिस भी स्टूडेंट की बेयर एक्ट के ऊपर प्रॉपर कमांड होगी उस स्टूडेंट का ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा, बिकॉज डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे और इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। बट कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं जिसके बारे में आप ऑफिशियल आंसर की से ही उसे बेटर चेक करें कि उसका क्या आंसर जो है वो ऑफिशियली बताया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी, दैट इज एसिड अटैक। क्वेश्चन 14 का आंसर बी, सेक्शन 11। 15 का होगा सी, मजिस्ट्रेट। 16 का ए, बापू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज रिलेटेड टू डाइंग डिक्लेरेशन। 17 का होगा डी, लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 18 का भी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का आंसर होगा बी, दैट इज शरत चंद्र दे वर्सेस गोपाल चंद्र साहा, दिस इज़ अ केस ऑन एस्टॉपल। नेक्स्ट 65A। नेक्स्ट इज क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, ऑप्शन ए। 22 का होगा ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 45। 23 का होगा ऑप्शन ए, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथीकालू। नेक्स्ट 24 का होगा कि जो फोटोग्राफ है दैट इज़ अ सेकेंडरी एविडेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज़ अ केस ऑन कन्फेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 दैट इज सेक्शन 65। नेक्स्ट विच इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑप्शन ए दैट इज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नेक्स्ट इज केस रिलेटेड टू टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन, करेक्ट आंसर इज आर एम मलखानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 29 दैट इज ऑप्शन सी, पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 74। क्वेश्चन 30 का होगा ऑप्शन डी, दैट इज 85B। 31 का आंसर है ए। देखिए डायरेक्टली ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए एंड काफ़ी सेक्शन बेस्ड ये पेपर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन बी दैट इज़ प्रिवी काउंसिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का आंसर होगा डी, दैट इज मोटिव. 34 का आंसर होगा सी, दैट इज 113A. 35 का आंसर होगा ए, रीड एविडेंस, जैसा कोई एविडेंस का काइंड नहीं है. 36 का आंसर होगा सी, सेक्शन 159 जो है वो रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बात करता है. 37 का आंसर होगा बी, दैट इज स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो आपका, उसकी ज़्यादा वैल्यू है एज अ डेट ऑफ बर्थ को चेकआउट करने के लिए. क्वेश्चन 38 का आंसर होगा ए, दैट इज सेक्शन 23 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है वो पर्टिकुलरली सिविल मैटर्स से डील करता है. 39 का आंसर होगा डी, दैट इज 2U के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताया गया है. 40 का आंसर होगा बी, दैट इज कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41 का आंसर होगा सी, दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस. नेक्स्ट 42 का आंसर होगा डी, सेक्शन 46 का जो प्रोविजो है. 43 का आंसर होगा ए, 41D जो है उसके अंदर डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट ड्यूरिंग इंटेरोगेशन. देखिए जो क्वेश्चन है डायरेक्टली ये आपका सेक्शन बेस 41D है इसका आंसर. नेक्स्ट 44 का आंसर होगा सी, अनटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल्ड वारंट जो है वो फोर्स में रहते हैं. 45 का आंसर होगा बी, दैट इज 309 ऑफ योर CRPC. 46 का आंसर है डी, दैट इज सेक्शन 216. 47 का आंसर है ए, सेक्शन 311 जो है वो कोर्ट को पावर देता है कि कोर्ट किसी भी समय विटनेसेस को समन कर सकता है. 48 का आंसर है बी, दैट इज रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज इज ऑल्टर. देखिए पूछा गया नॉट करेक्टली मैच्ड, हमेशा देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें आप कि नॉट पूछा है या करेक्ट पूछा गया है. 49 का आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का आंसर होगा डी, दैट इज स्टेट. 51 दैट इज कस्टडी एंड अरेस्ट आर, इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी कुड बी सी, बट फॉर दिस क्वेश्चन रेफर टू द ऑफिशियल आंसर की. नेक्स्ट 52 का आंसर होगा ए, सेक्शन 66 जो है वो बात करता है अबाउट समन्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट. 53 का आंसर होगा बी, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. नेक्स्ट एन ऑफेंस मे बी ट्राइड समरीली इफ इट इज नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months. 54 का आंसर होगा ए. 55 का आंसर होगा बी, दैट इज सेक्शन 357A जो है वो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में बात करता है. 56 का आंसर होगा डी, के रिवीजन की जो पावर है अंडर CRPC दैट इज अवेलेबल टू सेशन कोर्ट एज वेल एज टू द हाई कोर्ट. 57 का आंसर होगा ए. नेक्स्ट 58 का आंसर होगा डी, 354 क्लॉज 5. 59 का आंसर होगा बी, 348. 60 का आंसर होगा सी. 61 का आंसर है सी, सेक्शन 15 ऑफ CRPC. 62 का आंसर होगा ए. 63 का आंसर होगा सी, दैट इज वॉइड. 64 का करेक्ट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट. 65 का करेक्ट आंसर है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. 66 का आंसर होगा डी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. 67 का आंसर है सी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. 68 का आंसर होगा ए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. 69 का करेक्ट आंसर है सी, द जजमेंट विल बी फाइनल इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. 70 का करेक्ट आंसर होगा चैप्टर 3, दैट इज ऑप्शन डी. 71 का करेक्ट आंसर है बी. 72 का करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. 73 का करेक्ट आंसर है सी, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 74 का करेक्ट आंसर है ए, मिनिमम 2. 75 का करेक्ट आंसर होगा डी. 76 का करेक्ट आंसर डी. 77 का होगा बी, कॉग्निजेबल ऑफेंस. 78 ए, 2018. 79 का करेक्ट आंसर है ए,
दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. 80 का करेक्ट आंसर होगा बी सेक्शन 80. 81 का करेक्ट आंसर होगा 8, दैट इज ऑप्शन डी. 82 का करेक्ट आंसर होगा ए. 83 का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज अबेटमेंट. 84 का करेक्ट आंसर है सी. 85 डी, 511 ऑफ आईपीसी. 86 का आंसर है बी, दैट इज मिसचीफ. 87 का आंसर होगा ए, राइटिंग. 88 का आंसर है डी, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड. 89 का आंसर होगा सी. 90 का करेक्ट आंसर होगा डी. 91 का होगा ए. 92 का करेक्ट आंसर होगा डी. 93 का करेक्ट आंसर है डी, दैट इज डिफेमेशन. 94 ए, 5 persons. 95 का होगा बी. 96 का करेक्ट आंसर है सी. 97 का करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज नो ऑफेंस. 98 का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 29 ए. 99 का करेक्ट आंसर है सी, 154 ऑफ आईपीसी. एंड 100 का करेक्ट आंसर भी सी, दैट इज 403 ऑफ आईपीसी. सो हमने डिस्कस किया सीरीज ए जो है, सीरीज ए के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, सभी आंसर्स हमने मैंने आपको बताए. एंड अगर आपको आंसर की का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप कनेक्ट हो सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको आंसर की अवेलेबल है ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. प्लस मैं आपको ये भी कहूँगी कि कुछ क्वेश्चंस के लिए वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि कई बार होता है कि ऑफिशियल आंसर की में आंसर कुछ और होता है. सो फॉर 2-3 क्वेश्चंस कीप देम इन अ डाइसी सिचुएशन. ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ डू सपोर्ट अस, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच वीडियोज़.